प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आओ विष्णु, थोड़ी देर बैठो, फिर तुमसे बात करता हूं। जी साईं। प्रणाम कहा। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, सही दाना खाओगे? पंडित जी, अब ये सटका इस पात्र में डालिए और फिर बाहर निकालिए। ऐसे नहीं पंडित जी, सटके के साथ पूरा पानी बाहर आना चाहिए। एक बार फिर से डुबोइए। लेकिन साईं, ये कैसे संभव है? एक बार कोशिश तो कीजिए। फिर से कोशिश कीजिए पंडित जी। एक बार फिर कोशिश कीजिए। लेकिन साईं, ये मुमकिन ही नहीं है। सटके में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतने पानी को अपने में समा सके। यही बात तो आपको समझनी है पंडित जी। फिर आपकी बेचैनी और अधूरापन दोनों दूर हो जाएंगे। पंडित जी, मान लीजिए ये पात्र पूरा विश्व है, ये पानी इस विश्व में समाया हुआ ज्ञान, और ये सक्का मतलब आप। आपने अब तक उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है जितना कि इस सटके पर पानी की बूंदें हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि आपने दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। ये अहम और खुद को दूसरों से बड़ा समझने की भावना ही है जो आप में बेचैन और अधूरेपन का एहसास पैदा कर रही है। विष्णु जी साईं, यहां बैठो। जी पंडित जी, ये विष्णु है। ये आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से कुछ किताबें पढ़ी है इसने। इससे पूछिए कि क्या ये आपकी तरह बेचैन है? विष्णु जी, क्या तुम्हें अधूरापन महसूस होता है? बिल्कुल नहीं साईं। हाँ, जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं खुश रहता हूँ, सुकून से सो पाता हूँ। लेकिन कैसे? क्योंकि पंडित जी, इसने अहम को छोड़कर अपनों को पढ़ा है। अक्षरों की जगह प्रेम का ज्ञान प्राप्त किया है। जितना पाया है उतना बांटा भी है इसने, इसीलिए आज ये संतुष्ट है। पंडित जी,
आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया, समाज में किसी के साथ लेना देना नहीं रखा, इसीलिए आज आपको अकेलेपन की अनुभूति हो रही है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, घर जाइए और अध्यात्म के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए। अहम को त्याग कर प्रेम को अपनाइए, अपना ज्ञान बांटिए, लेकिन अपनेपन से। राम जी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। जितना सुना था वो सब कम था आपके बारे में। इतनी सहजता से इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने। जो बात इतने वेदों इतने ग्रंथों का अध्ययन करके भी नहीं समझ पाया वो आपने इतने कम शब्दों में समझा दिया। इतने सालों में पहली बार लग रहा है जैसे मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, लेकिन मैं यही जानता हूं कि जहां प्रेम है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी, आप में प्रेम भाव जागा और भगवान ने दर्शन दे दिए। मैं सब समझ गया साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। मैं चलता हूं साईं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.